तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैं आपको हमेशा एक नया नया वीडियो देखता डालता रहता हूँ, ठीक है। अभी आज मैं आप लोगों को साथ दिखाऊंगा कि ड्राई फिक्स स्टोन क्लाइडिंग कैसे करते हैं वाल का, ठीक है। अभी मैं आपको अपना प्रोजेक्ट के बारे में बता दूँ तो ये दुबई में स्कूल का प्रोजेक्ट है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी का। उसमें हम लोग का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, फिनिशिंग का वर्क चल रहा है, सीलिंग का ये वर्क है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दिखाता हूँ ड्राई फिक्स क्या होता है स्टोन क्लैडिंग वाल के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास एक लिफ्ट है, वाल है, उसमें हम लोग ड्राई फिक्स कर रहे हैं। तो आओ फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं ड्राई फिक्स, कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और क्या क्या यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये हमारे पास लिफ्ट है, दो केबिन लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट और ये दो लिफ्ट है। और ये ऑलरेडी एरिया में हमारा ये स्लाइडिंग हुआ है ड्राई फिक्स, ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और ये हमारा स्टोन है, ठीक है। और इसको कैसे फिक्स करते हैं, और इसका अगर मैं साइज़ बता दूँ तो एक स्टोन का साइज 60x60 का है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करते हैं ये ड्राई फिक्स स्टोन क्लैडिंग, ठीक है। अगर इसका टूल्स का बात करूँ तो सबसे पहले इसमें यूज करते हैं, चलिए यूज करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एल शेप का एक एंकर बोल्ट होता है, एंगल शेप का एंकर बोल्ट होता है, ये यूज करते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक यूनिवर्सल ये फिक्स्ड आता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको ड्रिल करके फिक्स करते हैं इस स्टोन को उसके साथ में, ठीक है। तो ये इसका एक्सेसरीज होता है इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो इधर वाल में पोजीशन में ड्रिल करना होता है फिक्स करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ड्रिल किया जाता है पोजीशन में ये स्टोन का, ठीक है। तो आप देखिए, अभी स्टोन में थ्री प्लेस में फिक्स करेंगे इसको ड्रिल करके, जित मार्किंग कर रहे हैं A1, 2 एंड 3, ये विद इन 60 सेंटीमीटर ये थ्री प्लेस में मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको ड्रिल किया जाता है, आप देख सकते हैं। जब ये ड्रिल कंप्लीट हो जाएगा फिर इसमें एक मैचस्टिक होगा और यूनिवर्सल बोल्ट लगाएंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये ड्रिल कंप्लीट होने के बाद सब कुछ करेंगे, आप एक्सप्लेन करते हैं। और ये देख सकते हैं आप, साथ साथ में उसका ग्राउटिंग भी हो रहा है, जो ज्वाइंट से ज्वाइंट का फिलिंग भी हो रहा है, ग्राउटिंग भी हो रहा है, सेम कलर का टाइल्स का सेम कलर का ग्राउट मटेरियल के साथ में, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप, ड्रिलिंग कम्प्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग 6 सेंटीमीटर अंदर ड्रिल करना होता है, अब ये इससे यूनिवर्सल बोल्ट और ये एंगल जो फिक्स है उसमें प्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हैमर से प्रॉपरली अंदर फिक्स कर दिया जाएगा और उसके बाद इसको सीधा करेंगे ये लोग लेवल करके। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा हैंड लेवल है, हैंड लेवल के हैंड लेवल से ये पूरा इसको फिक्स करेंगे और इसको एडजस्टमेंट के लिए कुछ अंदर या बाहर जितना करना होगा से टाइट करेंगे, ताकि हमारा स्टोन जो है सेम लेवल में सेम फेस में आए, ओके। सो आप देख सकते हैं ये टाइट करें इसको प्रॉपरली, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर टाइट किया जाता है इसको लेवल में करके। तो अभी ये लेवल और प्रॉपर फिक्स हो गया, हो चुका है, देख सकते हैं ये बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट टाइट हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ये मार्किंग के लिए ग्लू लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोन में कटिंग के ये इसमें देखो थोड़ा मार्किंग के लिए ग्लू लगा रहे इसके फेस में। और अभी स्टोन में इसके थ्रू मार्किंग करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये इधर से दिखा, तो आइए दिखाते कैसे आप मार्किंग करेंगे उसमें, ये स्टोन उसके ऊपर ले जाके, जस्ट उसके ऊपर ले जाके ये स्टोन उसके ऊपर टच करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसमें टच करने के बाद स्टोन के बैक साइड में मार्किंग होकर आएगा, वो ग्लू लगाए थे ना फर्स्ट, जो ग्लू लगाए थे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, स्टोन में उस मार्किंग आएगा, उस मार्किंग में ये लोग फिर कट करेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
आप लोग देख सकते हैं इसमें ये थ्री प्लेस पे देखो एंकर बोल्ट का पोजीशन में ये मार्किंग हो गया है और ग्लू लग एंकर बोल्ट का पोजीशन में ग्लू लगा है उसके हिसाब से ये मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, मार्किंग हो जाने के बाद का स्टेप है उसको कट करना ताकि उस एंकर बोल्ट उसमें प्रॉपरली फिक्स हो थ्रू द एडहेसिव। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इस मार्किंग से ये इसको एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर डीप कट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट में 1 सेंटीमीटर डीप करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एडहेसिव के थ्रू कैसे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिक्स करते हैं इसको एडहेसिव के थ्रू। और ये हमारे पास अप्रूव्ड मटेरियल है एडहेसिव का, जिसके थ्रू यहाँ पे हम लोग एंकर बोल्ट को फिक्स करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी हाईली ये हार्डनर है, दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ हार्डनर, यू कैन से एडहेसिव हार्डनर। ठीक है, इसको इसके साथ में टच करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसमें ये स्लॉट्स कटिंग हो चुका है और ये एडहेसिव उस पर पेस्ट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। टू कंपोनेंट एडहेसिव का, वन कंपोनेंट एंड दिस अनदर कंपोनेंट, उसके साथ मिक्स कैसे करके अभी कैसे पैच करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर मिक्सिंग करने के बाद में देख सकते हैं आप इसको फिल करेंगे पूरा प्रॉपर। ओके, फिल करने के बाद अभी कैसे पैच करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका चेक भी कैसे करते हैं, वर्टिकलिटी अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं स्टोन क्लैडिंग कम्प्लीट होने के बाद में। ये पूरा कम्प्लीटली होल्ड फिक्स हो गया है, अभी आप देख सकते हैं एंकर बोल्ट में भी एडहेसिव लगाएंगे वहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके बॉटम में भी जहाँ पे ये नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसके ऊपर आप देख रहे हैं, इसको कम्प्लीटली इसके ऊपर रख के टच करके फेस टू फेस मैच करके इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, अभी ये क्लीनिंग है इसका जॉइंट्स का ग्राउटिंग के लिए। अभी ये हमारा स्टोन क्लैडिंग हो गया है और ये थ्रू द एल्यूमिनियम पट्टी, थ्रू द एल्यूमिनियम ये चेक करेंगे इसका अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, डाउन वाला हमारा स्टोन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को हैंड लेवल से भी शो करूँगा कि हमारा स्टोन क्लैडिंग प्रॉपर अलाइनमेंट में पोजिशन में है कि नहीं है। ठीक है, तब तक फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अभी ये हमारा हो गया प्रोसेस कंप्लीट ड्राई फिक्स का।